लव कुमार जी, जनता पूछ रही है कि हमने अपनी नुमाइंदगी करने के लिए संसद में भेजा था, वहां पर खुद की सियासत चमकाने के लिए नहीं, पूछेगी नहीं कि बिहार की जनता कि क्या कर आपने क्या किया वहां जाकर संसद में हमारे लिए, हमारे मुद्दे कितने उठाए, कितने बिल पास हुए। विपनेश, इसी का तो इंतजाम किया बीजेपी ने कि संसद को चलाने की जिम्मेवारी उनकी थी। जेपीसी की मांग हो रही थी, कर देते, क्या बड़ी बात थी। हम तो बिहार के लिए खुद ही सशंकित है। बिहार के लिए न विशेष राज्य का दर्जा मिला, न बिहार के लिए अतिरिक्त पैकेज मिला। बिहार की सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई है इस बजट सत्र में। हम थोड़ा नेटवर्क इशू है, तब तक मैं जी बोलिए बोलिए। आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, हम तो इसी बात की चर्चा हमेशा आपके चैनल पर भी करते रहते हैं कि अभी व्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है इस सरकार में, और संसद में इस तरह की बात हो ये तो और भी अशोभनीय है। जहां 140 करोड़ की जनता देख रही है संसद की कार्रवाई को, उसमें कोई सांसद रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा दोषी हो गया, उसको अपना पक्ष भी रखने नहीं दिया गया। और जिस कार्रवाई को आप केस क्या छुपाना चाहते हैं, संसद में क्या छुपाना चाहते हैं। संसद तो इसके लिए होता है ना, जो सदन में सारी चीजों को रखी जाए और उसको पूरी देश की जनता जाने। अरे 10.5 करोड़ रुपया जो प्रतिदिन इस पे खर्च हो रहा है, तो लगभग 125 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ अभी तक, वो किसका पैसा है? वो गरीब का पैसा है, गांव के गरीब का पैसा है, खेत किसानी करने वाले लोगों का पैसा है। सिर्फ धन्ना सेठों का पैसा नहीं है, ये धन्ना सेठ भी हमारे ही पैसे से अमीर होकर बैठे रहते हैं। LIC में पैसा जमा करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होता है। स्टेट बैंक के खाते में रखने वाला पैसा गरीब किसान, जो आप जिसकी जनधन योजना और बात कर रहे हैं कि इतने लोगों का, करोड़ों लोगों का खाता खुलवाया आपने, ये वही गरीब है जो इन लोगों को अमीर बनाए हैं, उन्हीं का पैसा है। और गरीबों के पैसा का जिस तरह से बांट किया जा रहा है, जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, सदन चलाने की जिम्मेवारी हमेशा सत्ता पक्ष की होती है, और संसदीय कार्य मंत्री ने कई बैठकें बुलाई इसके लिए। कितने बात हो, अगर बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे हैं, कितने बैठकें बुलाई संसदीय कार्य मंत्री ने कि सदन को चलने दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दलन सदन में सवाल उठाया, सभी लोग अपनी सवाल उठाना चाहते हैं, तो विपक्ष को चर्चा का सिर्फ एक दिन का समय दिया जाता है। अगर सरकार इतनी ही सक्षम है, इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम की है, तो चर्चा से क्यों भाग रही भाई? आप अगर सच्चाई जनता के बीच क्यों नहीं आने देना चाह रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं, सब कुछ फेयर डील हुआ है आपका, तो फिर जांच से क्यों भागते हैं? जेपीसी में तो सबसे ज्यादा सांसद आप ही के होते, आप बहुत बड़ी पार्टी है, 303 सदस्य है आपके, फिर क्यों घबरा रहे हैं? क्यों नहीं बना देते भाई? बना देना चाहिए ना? जी, इसका समाधान सरकार के पास था और हंगामे से बचा जा सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, क्योंकि आप विपक्ष को मानते नहीं, उनकी आवाज आप दबाते हैं, बोलने देते नहीं है, तो फिर कैसे हंगामा ना हो, ये विपक्ष का आरोप है। विपनेश जी, हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कहा कि स्वर्गीय सुषमा जी, स्वर्गीय जेटली जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये वो लोग हैं जिन्होंने विपक्ष को विशेष बनाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने संसद की गरिमा को सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन कांग्रेस आज की कांग्रेस जो है वो गलबान में झांकती है, अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। अपने गिरेबान में झांकती तो पता चलता कि वर्तमान कांग्रेस के कुकृत्य और नेतृत्व ऐसे हैं कि जो कांग्रेस कभी विशेष दल हुआ करता था वो शेष हो गया, और उसके अवशेष समेटने का समय आ गया है। रही बात जो सपा के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम बच्चों को ऐसी बात नहीं सिखाते, बहुत अच्छी बात है, गेस्ट हाउस कांड करने वाले एक दलित महिला को जिन्होंने क्या नहीं किया, और भाजपा के कई नेताओं ने अपनी जान देकर के जिनकी हिफाजत की, जिनके स्वर्गीय नेता नहीं रहे, उन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाती है, वो लोग भी सभ्यता और शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये सम्मान की बात है, देश के लिए अच्छी बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में देश कुछ अच्छी बातें सीख रहा है, बच्चे से बड़े तक। और हमारे लॉ भाई कह रहे थे, लॉ भाई कब लॉ लगाए रहते हैं, कब पक्ष में रहेंगे, कब विपक्ष में रहेंगे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। कभी इस दल, कभी उस दल, कभी प्रशंसा हमारी भूरी भूरी करेंगे, इसका जवाब नहीं मिला। जो विपक्ष मांग कर रहा था उस पर सरकार ने सोचा तक नहीं, इसका जवाब नहीं मिला। ब्रेकिंग विद एजेंडा में वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज बजट सेशन के फर्स्ट हाफ का आखिरी दिन है, देखते हैं कि क्या तस्वीर उभर कर आती है, हंगामा होता है, फिर कुछ जनता के लिए काम भी हो पाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।